हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा तोमर ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्जाम्स। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपीटेट 2018 साइंस का पार्ट, जिसको मैं कंप्लीट साइंस के पार्ट को जितना पॉसिबल होगा जो हमारा रिलेटेड टू साइंस है उसको सॉल्व करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सभी एग्जाम्स के केमिस्ट्री और साइंस से रिलेटेड या फिर बायो से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन था 31, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की एक्सप्लेन करती है स्फेरिकल शेप ऑफ द रेन ड्रॉप्स? तो इसके क्रिटिकल फिनोमिना ये तो नहीं होगा, इस विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ापन एक तरीके से, तो ये भी नहीं होता है। सरफेस टेंशन और प्रेशर, तो इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन से ही हमारी जो एक्सप्लेन करती है किसको, वाटर ड्रॉपलेट्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस है। 32 क्वेश्चन नंबर पर, 32 वाला क्वेश्चन नंबर था कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहाँ पे कई बार इसका पेयर भी आ जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कौन सी गैस का भी कंट्रीब्यूशन होता है, CH4 का होता है, CFCs का होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ओजोन का होता है, N2O का होता है एंड H2O का होता है। तो दीज ऑल गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। बस्ट 50-60% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, दिस इज द मेजर ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट मिनरल, इनमें से कौन सा मेटल मिनरल नहीं है। जिप्सम, हिमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट। हिमेटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट ये सारे मिनरल्स हैं, जबकि जिप्सम मिनरल नहीं है। कमेंट बॉक्स में मुझे जिप्सम का फॉर्मूला लिख के बताइए क्या होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल इन लिक्विड स्टेट, कौन लिक्विड स्टेट में नॉन मेटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो इसका आंसर होगा कौन सा मेटल मिलता है लिक्विड स्टेट में, हाँ जी बताइए मुझे कौन सा लिक्विड स्टेट। तो ये आंसर होगा इसका ब्रोमीन, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है, नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमीन के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट डिस्कवर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम, रेडियम को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज डिस्कवरी किसने की थी। तो इसका आंसर होगा बच्चों क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी इसका आंसर, हाँ अल्बर्ट आइंस्टीन ही नहीं, मैरी क्यूरी होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियम मैडम क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टोन कैंसर, स्टोन कैंसर का क्या रीजन होता है। तो इसका रीजन होता है, स्टोन कैंसर का रीजन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी होती है, एसिड ड्रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका आंसर होता है एसिड रेन इज द कॉज ऑफ स्टोन कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइन, इज ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaCl, कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनिड। तो इसका आंसर होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। द गैस यूज्ड इन आर्टिफिशियल राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है। तो वो यूज होती है एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज यूज्ड फॉर राइपिंग द ग्रीन फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर, परसेंटेज क्या होता है नाइट्रोजन गैस का एयर के अंदर। तो ये होता है 78%, 21.5% ऑक्सीजन होता है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओजोन इज एन आइसोमर ऑफ ऑक्सीजन एंड ए कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन या एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ओजोन जो होता है ये क्या होता है, ऑक्सीजन का एक कंपाउंड होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है एक कंपाउंड होता है या एलोट्रॉप ऑफ
ऑक्सीजन भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप ही तो होता है, एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज पी पी, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वो होगी, इसका आंसर होगा 4 P² / 2 m, P² / 2 m। ए बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए पैरेलल ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 4, 10, 8। तो इसका सॉल्यूशन हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा, इसको भी मैं लीव कर रही हूँ। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज फेरो मैग्नेटिक, इनमें से कौन से मटेरियल्स फेरो मैग्नेटिक होते हैं, तो इसमें से निकिल, एफी, सीओ एंड निकिल, ये तीन ग्रुप ऐसे होते हैं जिनको हम तीन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फेरो मैग्नेट की कैटेगरी में रखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, किस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होगी, तो वो स्टील में होगी। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क देन विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन इट, अगर एक ग्लास रॉड को आप सिल्क पर रब करते हो तो आपके को कौन सा चार्ज क्रिएट करेगी, तो इसे करेगी पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये न्यूमेरिकल है, ऑन मूविंग प्लेन मिरर इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन वॉट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इसका आंसर होगा आपका 120 डिग्री, क्योंकि 120 और 60 डिग्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी का रिन्यूएबल सोर्स है, तो इसका आंसर होगा ग्राउंड वाटर इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि नेचुरल गैस भी नहीं है, पेट्रोलियम और ये सारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाई द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर, कौन सी यूनिट मिलती है, तो ये मिलती है आपको द्रव्यमान यानी कि मास। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन आया था, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 तो मीटर के इक्वल होता है, ये होगा 10^-7 सेंटीमीटर। हु डिस्कवर्ड एक्स रेज, किसने डिस्कवर किया था तो एक्स रेज को, तो वो किया था रॉन्टेंजन वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द एक्स रेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सारे यूपी टेट 2018 साइंस के एग्जाम्स पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।